आप सब कैसे हो। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल शांति कुल ब्लॉग में स्वागत है। दोस्तों आज मैं अपनी चाची के यहाँ जा रही हूँ। मेरी चाची ने मुझे बुलाया है अपने घर, और क्यों बुलाया है ये मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि जो मेरी चाची की बेटी है, मेरी चाची की बेटी के लड़का हुआ है, यानी कि मेरी बहन के बेटी के लड़का हुआ है, तो उसका 2 तारीख का नामकरण है। तो चाची ने मुझे लड्डू बनवाने के लिए बुलाया है, जो ड्राई फ्रूट के जो लड्डू बनते हैं ना गोंद वगैरह डाल के, तो वो लड्डू बनवाने के लिए मुझे बुलवाया है। क्योंकि चाची है अपने बच्चों के उसमें जब भी होते हैं, पोता पोती कुछ भी होते हैं, तो मुझसे ही लड्डू बनवाती है। तो चाची ने मुझे कहा कि बेटा तू आ जाना लड्डू बनवाने के लिए, तो मैं लड्डू बनाने जा रही हूँ चाची के घर। तो चलिए फिर मैं वहां जाके आपसे मिलती हूँ, मिलवाऊंगी चाची से भी। चलिए चलते हैं। मेट्रो स्टेशन पर आ चुके हैं। हम कार्ड में पैसे डलवा रहे हैं, मेरी बेटी कार्ड में पैसे डलवा रही है। जीते रहो मेरे भाभी, जीते रहो, खुश रहो। देखिए फ्रेंड, ये मेरी चाची है। मैंने कहा था ना चाची से मिलवाऊंगी, मैं चाची घर आ चुकी हूँ। ये है मेरी चाची। हाय कर रही, देखो आप लोगों को। A few moments later, देखिए फ्रेंड लड्डुओं की तैयारी हो रही है। ये देखिए आटा भून लिया है हमने, ये देखिए हमने ये आटा भून लिया आधा, और आधा आटा भी भून रहे हैं ये। और देखो ड्राई फ्रूट मेरी बेटी ने फ्राई कर दिए हैं। ये मखाने हैं जो हमने देसी घी में फ्राई किए हैं, और ये अखरोट है इसमें, और वो है छुआरे जो हमने बारीक काटे हुए हैं, ये देखिए। और ये बादाम हमने जो 2 पीस किए हैं, एक बादाम के हमने 2 पीस किए हुए हैं, और इसमें काजू है जो भी हमने देसी घी में फ्राई किए हैं काजू, ये हमने छोटे छोटे काटे हुए काजू। और गोंद, ये देखो हमने गोंद भी जो है फ्राई किए देसी घी में, ये देखिए जो हमने गोंद भी देखो देसी घी में फ्राई की है। सारे ड्राई फ्रूट हमने ये देसी घी में फ्राई कर रखे हैं सारे। ये देखिए नारियल हमने कद्दूकस कर रखा है, और ये सौंठ है, सौंठ बहुत जरूरी होती है डालनी। और ये तिल है व्हाइट वाले, ये भी हम इसमें मिलाएंगे। और देखिए ये खांड है, ये देखिए खांड होती है, ये डालेंगे इसमें हम जब हमारा सारा आटा भून जाएगा, तो ये हम सब मिलाएंगे। और देसी घी दिखाती हूँ आपको मैं, ये देखो मेरे चाचा जी ने पंजाब से मंगाया देसी घी, ये देखिए। और देसी घी देखो ये पीछे भी, ये देखिए ये भी देसी घी है। देखो मेरे चाचा ने 10 किलो पंजाब से घी मंगाया स्पेशल ऑर्डर देके, और बिल्कुल प्योर घी है, बिल्कुल मिलावट नहीं, इतनी खुशबूदार घी है। तो अभी हम लड्डू बनाएंगे, जब आपको दिखाएंगे, ठीक है फ्रेंड। चलिए फिर थोड़ी देर बाद मिलेंगे आपसे हम। देखिए दोस्तों आटा हमारा भुन चुका है। अब इसमें हमने ये देखिए मखाने और नारियल कद्दूकस किया था वो हमने डाले हैं। मखाने हमने जो है उसको कूट लिया है, क्योंकि मखाने साबुत नहीं डाले जाते हैं, कूट के डाले जाते हैं, तो ये हमने डाल दिया है। अब इसमें देखिए ये डाल रहे हैं ड्राई फ्रूट जो हमने बादाम फ्राई किए थे, और देखिए इसमें गोंद भी है, काजू भी है, देखिए
ये सब हम इसमें मिला रहे हैं। देखिए ये देखिए हम इसमें सारा ड्राई फ्रूट डाल दिया हमने। अब इसमें देखिए ये छुआरे और अखरोट हैं, अखरोट गिरी होती है ना, वो हमने छोटी छोटी काटी हुई है। और इसी में किशमिश भी मिली हुई है, जो किशमिश होती है ना किशमिश, देखो वो भी इसमें हमने डाली हुई है। ये सब इसी में मिक्स करना है। ये देखिए सारा हमने ड्राई फ्रूट देखो कैसे मिला लिया है इसमें। और इसी में हमने ये डालना है खांड, जो खांड होती है ये मोटी वाली, ये हमने डालनी है इसी में। पहले हम इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से, उसके बाद हम घी डालेंगे। फ्रेंड्स देखो हमने सारा ड्राई फ्रूट तो मिला लिए हैं और इसमें हमने खांड भी मिला ली है। अब ये देखिए तिल है वाइट वाले, तो वो भी हम इसमें डाल रहे हैं। और ये देखिए ये सौंठ है, पिसी हुई सौंठ पाउडर जो होता है, ये बहुत जरूरी होता है डालना, इससे ही बहुत ज्यादा स्वाद आता है। तो ये हम मिक्स कर रहे हैं देखिए इसमें। अब इसको हम मिला लेते हैं अच्छे से, उसके बाद हम घी डालेंगे इसमें। घी हमने कढ़ाई में पिघलाने के लिए चढ़ा दिया है, क्योंकि घी हम इसमें पिघला के डालेंगे, घी जमा हुआ नहीं डालते। देखिए फ्रेंड हमने ये सब ड्राई फ्रूट वगैरह मिक्स कर लिया है, इसमें हमने खांड भी मिक्स कर ली है। अब इसमें हम घी डालते हैं, जो हमने देखिए कढ़ाई में घी गर्म कर रखा है, तो हम घी डालते हैं। ये देखिए अगर घी कम पड़ेगा तो, अभी देखिए ये घी और रखा हुआ है और हम कढ़ाई में करके गरम करके डालेंगे। ऐसे थोड़ा थोड़ा करके घी डालना होता है इसमें, एकदम से सारा घी नहीं डालना होता, क्योंकि घी भी गरम बहुत ज्यादा है ना, तो हाथ भी जल सकता है, तो इसलिए हमें थोड़ा थोड़ा मिक्स करके ऐसे हमें ये पलटे की सहायता से इसे मिक्स करना है, क्योंकि हमारा घी गर्म है ना, तो गर्म घी है तो हाथ जल सकता है ऐसे, तो इसे पलटे की सहायता से करना है इसको। फ्रेंड देखो घी ठंडा हो चुका है, अब गर्म नहीं है, तो अब हम इसे मिक्स कर रहे हैं। देखो हमने जो गर्म था तो हमने करछी से करा था, अब हम हाथ से कर रहे हैं क्योंकि ठंडा हो चुका है घी। आप हमें कॉमेंट जरूर करना, बताना कैसे लग रहा है हमारे लड्डू, पंजीरी हमने जो बनाई है कैसी लग रही है। अगर कोई कमी पेशी हो तो आप हमें जरूर बताना कमेंट में, क्योंकि मैं तो ऐसी ही बनाती हूँ ये सब सामान मिला के। चलिए फ्रेंड देखो हमारा सामान सब तैयार हो चुका है, ये देखिए लड्डू भी बनने तैयार हो चुके हैं। इसमें हमने देसी घी में, हमने वो आपको दिखाई नहीं, भूल के दिखाना, हमने अजवाइन भी भूनी है देसी घी में, अजवाइन भून के उसको देसी घी में वो हमने इसे मिक्स किया है। अजवाइन जरूर मिक्स करना अगर आप लोग बनाओगे लड्डू, अजवाइन जरूर मिक्स करना क्योंकि अजवाइन गर्म होती है। तो इसलिए देखो आप लड्डू हमारे तैयार हो रहे हैं, ये देखिए हम बनाने लगते हैं फिर। चलिए फिर फ्रेंड लड्डू बन चुके हैं हमारे, ये देखिए देखो हमने लड्डू कितने सारे बनाए हैं, कैसे लगे लड्डू हमारे बने हुए, आप हमें कॉमेंट जरूर करना, मैं कॉमेंट के इंतजार करूंगी आपका, आप कॉमेंट करके बताना किस किस को हमारे बनाए हुए लड्डू अच्छे लगे, ठीक है। चलिए फिर मैं आपको थोड़ी देर बाद मिलती हूँ। चलिए फ्रेंड अब हम अपने घर जा रहे हैं, देखो मेरी चाची मुझे, मेरी चाची और मेरी बहन मुझे छोड़ने आए हैं, बैठाने आए हैं मुझे ऑटो में, बाहर गेट तक आई चाची और मैं अपनी चाची को छोड़ के अब घर आ रही हूँ, फिर घर जाके मिलती हूँ आपसे। मेरी चाची बाय कर रही, देखो आप लोगों को बाय करनी, मेरी चाची बाय, मेरी बेटी भी जा रही है अपने घर चाची। देखिए फ्रेंड हम लोग एक्सीलेटर में चढ़ गए हैं, क्योंकि सीढ़ी से चढ़ा नहीं जाता, मैं इसलिए एक्सीलेटर में चढ़ के जाती हूँ। हम लोग मेट्रो के लिए पहुँच चुके हैं, अभी मेट्रो नहीं आई है हमारी,
हम माँ बेटी मेट्रो का इंतजार कर रहे हैं, मेट्रो आई नहीं अभी, खड़े इंतजार कर रहे हैं, बारिश भी हो रही बाहर बहुत ज़्यादा, क्या करें। चलिए फिर घर जाके मिलेंगे आपसे। देखिए फ्रेंड, मेट्रो आ चुकी है, अब हम मेट्रो बैठते हैं। ये देखिए आ चुकी है मेट्रो। फ्रेंड्स, अब हम लोग घर पहुंच चुके हैं और थक भी बहुत गए हैं, क्योंकि सुबह से लगे गए हुए थे, हम सुबह से गए हुए थे चाची के यहाँ, बहुत थक चुके हैं हम। और बारिश भी इतनी हो गई थी, बहुत ज्यादा बारिश हो गई थी, ठंड ज्यादा पड़ गई थी, बारिश होने के बाद फिर ठंड भी बहुत हो गई थी। तो बड़ी मुश्किल से हम घर पहुंचे हैं और आपको मेरे लड्डू की जो वीडियो थी कैसे लगी आप लोगों को, आप कमेंट करना। और ये लड्डू जो बनाए हमने कैसे लगे ये सब बताना, क्योंकि उन लोगों को तो बहुत पसंद आए थे, घर में सबने ही चखे थे लड्डू, सबने एक एक लड्डू, दो दो लड्डू सबने चखे थे, सबको बहुत पसंद आए थे। कह रहे दीदी बहुत अच्छे लड्डू बनाए, चाची भी कह रही बेटा तुमने बहुत अच्छे लड्डू बनाए, चाचा को भी बहुत पसंद आए थे लड्डू। और जो है मेरी जो बहन की लड़की है उसका लड़का हुआ है, तो उसके ससुराल जाएंगे लड्डू, तो वहां के लिए लड्डू बनवाए थे, क्योंकि जापे में जो है लड्डू खिलाए जाते हैं जिसके बच्चा होता है, तो इसलिए वो लोग उसका 2 तारीख को नामकरण है, तो नामकरण में वो लोग सारा सामान लेके जाएंगे, बच्चे का भी सब की पार्टी वार्टी करते हैं, बच्चे का जो नामकरण होता है हवन वगैरह होता है, तो सबका खाना वाना होता है, तो ये लोग सारा सामान लेके जाएंगे, चाचा चाची जो है सब सामान लेके जाएंगे, बच्चे का भी लड़की के लिए सब, तो इसलिए लड्डू भी लेके जाते हैं साथ में, तो इसलिए मेरे से लड्डू बनवाए थे, क्योंकि मेरे हाथ के लड्डू बहुत पसंद आते हैं, इसलिए मेरे को बुलाया चाची ने, तो फिर मैंने लड्डू बनाए थे। लड्डू तो मैंने आपको दिखा दिए, अब कैसे बने हैं, क्या कमी थी, ये सब आप मुझे कमेंट में बताना, किस किस को पसंद आए आप मुझे कमेंट जरूर करना। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय दोस्तों, गुड नाइट।